गुड मॉर्निंग जी, कैसी रही तुम्हारी पार्टी कल? सब बंदे आ गए हमारे सुबह टाइम से, हैंगओवर तो नहीं है किसी को? हैं? हैं? तेरी आंखें सूजी हुई लग रही है तुझे? लो इसको पकड़ो कैमरे पे। हे ज्योति, मॉर्निंग। सॉरी, मैं आज वो आपका काम कर दूंगा, वो जो प्रिस्क्रिप्शन वाला मैंने फॉर्म बनाना था। रेस्क्यू वाला वो बन गया, चेकलिस्ट बन गई। नाइस। मैं तो अपना दिन आज गीता का पहला अध्याय पढ़ के ऑडियो बुक से शुरू किया था। मैं तो ये सारे लाइन में बैठे हैं, कैसे धूप का वेट कर रहे सब। मुझे लगा जैसे कोई अडॉप्टर आ रहा है और ये ऐसे डॉग शो दिख रहा है। बड़ी की आज हम आई रिमूव कर देंगे फाइनली, लेकिन हमें पहले उसको सेडेट करके ये देखना होगा कि जो सूचरिंग के लिए टिश्यू वहाँ पे प्रॉपर है कि नहीं। ओहो, इससे हमने तो चोट लगा दी है यहाँ पे। खड़ा खड़ा नहीं हो रहा। अच्छा, डॉक्टर की सर्जरी आज पे? हाँ जी। डॉक्टर जो फीमेल डॉग है हमारे पास, उसका नाम डॉक्टर है। और फाइनली राधा हंसी, इसका ले लो, रेयर है भाई, रेयर है, इनके दांत बाहर है, ले लो इनकी। क्यों बस आपने बोला डॉक्टर की सर्जरी? बस तो इसी बात है, ऐसी बातों में हंसी आती है। आप लोग सब गए थे कहीं पार्टी पे? आप नहीं? नहीं, लेडीज नहीं थी। लेडीज अलाउड नहीं थी? ये क्या है? मैंने पूछा था, दादी को नहीं लेके गया, हस्बैंड को ले गया था। क्यों बोला क्यों नहीं जा सकते थे? मैं खुद नहीं पीता, पर मैं ऐसे कह नहीं सकता। लोग कहेंगे भाई तुम मीट खाने के लिए मना करते हो, दूध पीने के लिए मना करते हो, तुम शराब के लिए भी मना कर दो, हम क्या करेंगे। कल हमने स्ट्रीट इंटरव्यू पे जाना है, तो कल मैं नहीं आऊंगा। ठीक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जो पर्सन आए थे दीपिका धर्मशाला से, वो कुछ दिन वो लेके आए, गिफ्ट्स लेके आए हैं। ओ सही, तो आप एक बार आ जाते एनिमल्स के लिए? नहीं पे, नहीं नहीं, एनिमल्स के लिए तो वो लेकर आए थे बनानास वगैरह, कुछ बना कर लाए थे। ओ सही, आई होप वीगन हो यार तू, ऐसे ना नहीं तो फिर थैंक्स। खाने का नहीं है, कुछ चीज बना के। तुम भी पीछे पीछे आ रहे हो, खाने का नहीं है। इसका वीडियो लो राधा का, ना कैमरे पे अच्छी रहती है। क्या 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 राधा दीदी चोरी कर दी, बच गई है तो वो मेरे पास पकड़ आ रही है, यहाँ रख जाऊँ मैं, तो नहीं नहीं यहाँ नहीं रखना है। एक्चुअली मेरा एक आर्ट पेज है तो इंस्टाग्राम पे। हाँ जी। किस नाम से? स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट आर्ट। स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट आर्ट। मैं ना ये बबल रैप बचाने के चक्कर में हूँ। देसी लोग, देसी डॉग, पकड़ो। बस दो ही आते हैं आपके? किस काम के हो हमारे? ये तो आप क्लिनिक में लगा सकते हो फ्रिज पे। और ये हैंगिंग है। कुछ नहीं पकड़ सकते आप? पकड़ सकते हैं, जाने दो। नहीं नहीं, मैं पकड़ सकती हूँ, बॉटल भी पकड़ सकती हूँ। बॉटल तो रहने दो, ये फ्रिज पे लगाओ। नहीं वो लेते हैं अलमारी में लगाना, फ्रिज पे अब कवर लग गया। अच्छा, वो कवर डोनेशन में आया क्या? नहीं सर, हमने बनवाया था। कुछ ऐसा तो नहीं डोनेशन कुछ, में क्लॉथ आया कुछ हो गया अंधेरा, उसको छुपाने के लिए कवर लगाया? नहीं, मैं तो ऐसे करता। ईट स्लीप रेस्क्यू रिपीट। नाइस। ये भी हमारे यहाँ जाएगा, हम ही नहीं है भैया ये। नहीं, ये फिट नहीं आ रहा यार। ये जब ईट लिखा है ना, ये जानवरों की बात नहीं हो रही, ये जनरल है। शाकाहारी खाना खाए, सोए, रेस्क्यू रिपीट। खत्म, खाने का कुछ नहीं है। हम भी आपको भेज देंगे, अब वो तो लाना पड़ेगा, तब तक बंद करो कैमरा। आप कुछ स्पेसिफिक सीखने आए थे? नहीं, मैं मतलब हाँ, मतलब थोड़ा सा हेल्प भी करना चाहती थी और थोड़ा बहुत मेडिकल का सीखना भी चाहती थी। तुम्हें कोई और बंदा पकड़ना होगा जो इंटरव्यू ले ना, लोग मेरे से ठीक से बात ही नहीं करते, डर के बात करते हैं, घबरा जाते हैं। यूट्यूब पर भी कमेंट किया था किसी ने कि सबके इंटरव्यू लो, पर इसके रॉबिन को कहना वो मत ले, कोई और ले। ये कैलेंडर है और अंजू, ये आप यूज़ कर लोगे ना? अंजू हाँ जी, बबल रैप ये आप यूज़ कर लोगे ना प्रोडक्ट? ओह, लेटर भी है। क्या बात है सर, आएगा। हम जा रहे हैं भैया अस्पताल, अब फाइनली जाके वहाँ पे जनरेटर की समस्या निपट गई है शायद, और एक दो चीज़ें हैं जो चेक करनी है। एक तो काके ने वो सैंपल बनाया सीलिंग का,
हाँ वो बड़ा जरूरी है भैया कि अंदर कोई पक्षी मधुमक्खियाँ ना जाए। अब हमें क्या करना है, ये छोटे छोटे सारे गैप जो हैं सील करने हैं ताकि ये पूरा डब्बा बन जाए, फिर उसके बाद दरवाजे लगेंगे। दरवाजों का तो जो अंदर जो भी काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ही आगे, मैंने देखा है कि उन्होंने नाश भी रखा है, तो एक के बाद एक मुसीबत ही आ रही है काम में। कभी बिजली नहीं, जब जनरेटर आया जनरेटर ही, जब जनरेटर आए तो जो काम करने वाले हैं उन्होंने तो मतलब मत पूछो। जनरेटर तो हमने 3 गड्ढे कर लिए थे, पर ये जो काव शेड की जो छत का निर्माण है ना उसमें जो भारी एंगल लगना है, उसकी वेल्डिंग जो है उसके लिए जो बिजली चाहिए वो हमें इस बड़े जनरेटर से ही मिलेगी। राजीव भैया जो है उन्होंने हमें ये दिया है टेम्परेरी, और वो जो है इनको बहुत मुश्किल से क्रेन से उतरवा के आया है, इसीलिए ना हमारे दरवाजे जो हैं दोनों तरफ खुलते हैं कि भैया कब कौन धरना दे दे। राधा वर्क आज में फोन पे, मैं झाड़ू पे। तो झाड़ू वर्क है नहीं है क्या? वर्क है ना। हाँ। तो फिर फोन पे थे? फोन जरूरी था भैया, वो एक्चुअली नानी के वो 6 महीने हो रहे हैं ना पूरे। इसने ऐसी बात करी है, मतलब इसका इसके आगे बंदा क्या बोलेगा, है ना। इमोशंस के आगे लॉजिक हमेशा फेल। मुझे ये बताओ कि मूली की हो गई सर्जरी? हाँ जी, तो थोड़ा की भी हो गई और उस मसूरी की भी होगी, तो उनको धूप में रखा। धूप है नहीं वहाँ पे, चली गई ना पहले वहाँ पे, वो छुट्टी ठीक है। पर मूली ठीक है ना? जी जी। तो कौन सा सर्जरी है? स्प्रे हो गई ना मूली की। मूली हाय हाय हाय, पूछ पूछ कर रही है, हिला रही है। सॉरी मूली, मुझे बड़ा दुख होता है स्टरलाइजेशन जब हम करते हैं ना, इसलिए कि ये हम पे भरोसा करते हैं, फिर एक दिन हम इन्हें बेहोश करके ऐसे चीरा वीरा कर रहे हैं इन्हें, पर ये ज़रूरी है, इनके लिए ज़रूरी है। ये ऑफ कोर्स नहीं समझते, पर हमें इनके लिए वो डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो हमें पता है इनके लिए सही है। ज्योति सब ठीक है? हाँ जी। और दानू का क्या सीन है? नहीं बस थोड़ा सा टेंशन में आ गया ना, सब एकदम से उठ नहीं रहा है। आया वो चल के खुद ही बाहर, फिर एकदम से बैठ गया। हम उसको गेट के पास से हटाने की कोशिश कर रहे थे, उठ नहीं रहा है लेकिन बिल्कुल। तो मैं बोला थोड़ी देर बाद फिर ट्राई करते हैं। अभी मुझे उसका बता दो जो हमारा बड़ी है। हाँ सर, उसका अभी एनेस्थीसिया दिया ही है बस, तो अच्छा। बस वेट कर रहे हैं वो बेहोश हो जाए। यहाँ पे तो टिश्यू नहीं है, पूरा हार्ड ही है स्ट्रक्चर, तो फिर अगर आंख निकालते हैं तो सूचर नहीं करने को कुछ भी नहीं है, बहुत मुश्किल है। हम इसका ये चेरी आई रिमूव कर देते हैं, आंख नहीं रिमूव करते, चेरी आई रिमूव करते हैं, एंड देन देखते हैं कि ये आंख अपनी कितनी मेंटेन कर पा रहा है। बिटवीन द थर्ड आईलेट एंड जो इसकी जरा सी बची हुई आईलेट है, मे बी दे विल गिव हिम एनफ प्रोटेक्शन। थर्ड आईलेट अगर प्रॉपरली वर्क करेगी तो वो क्लीनिंग का भी वो ऑटोमेटिकली कर ही लेगा। हम अंडर ऑब्जर्वेशन तो रख ही सकते हैं ना, और चेरी आई हम यहाँ रिमूव कर सकते हैं। ज्योति सॉरी, नहीं मैं हैप्पी न्यू ईयर, मुझे वो मिला था अभी, मैं हॉस्पिटल से आया। हाँ, साहिल पशु हॉले, वो कह रहे हैं कि वो कोई ट्यूमर वाला डॉग लाया था। तो ये लड़ाई से हुआ है डॉक्टर साहब इसको? मोस्ट प्रोबेबली, हेमाटोमा है ही नहीं। तो इतना सूजा क्यों था इसका? हार्ड ही है ये सारा, टिश्यू हार्ड है। अच्छा, वो फूला हुआ दिख रहा था बस। कुत्तों का एक फायदा, लात नहीं मारते ये बैल की तरह, पर लात खाने में कुत्ते में बैटर लगता है कटने से। बस हो गया, हेलो गुरदेव, शाबाश, फ्रेंडली है बड़ा। उन तो आपने ट्रेन कर दिया इसको। अच्छा, उसने ट्यूमर बोला, उसने कहा कि ट्यूमर वाला डॉग है, उसके पास जगह ऑल तो है पर कोई इलाज करने के लिए नहीं है। पर हमने जो मुंह कल गई है वो कैनल स्टरलाइजेशन के लिए खाली रखना था ना। हाँ, तो वो कैनल तो ऑलरेडी ब्लॉक हो गया था हमारा, जो ये ओडर से कल केस आया मार्केट होम वाला, उस डॉग को हमने यहाँ रखा है। जैसे इस हफ्ते की जो स्टरलाइजेशन थी वो इस तरीके से प्लान थी कि इन डॉग्स की ऑलरेडी जगह है, यहाँ पे है अपने बच्चे। हाँ, उनको नहीं रख सकते, और ऊर्जा के बच्चे। हाँ। और ऊर्जा के जो बच्चे हैं ना, बाय द वे, उनका नाम हम रख रहे हैं कौरवों पे। मैं रखना चाहता था भाई भाई पांडवों पे तो इसलिए नहीं रख सकते, एक तो एक ये ज्यादा है। हाँ। दूसरा ये कि लोग बुरा मनाते हैं आजकल, बस धर्म को लेके यही है कि कहाँ पे हम किसी को टोक दें कि भाई अरे आपने कुत्ते का नाम ये रख दिया, तो इसलिए हम कौरवों पे रख रहे हैं, उसमें तो कोई ऑब्जेक्शन करेगा नहीं। और हमारे पास फिर 100 नाम है चुनने को। छठवे में है सोना, है ना, जिसका 3 दिन का ट्रीटमेंट बचा है, और अभी ये बहुत ज़्यादा वो है ना, मतलब ठंड लगती है, ये बहुत शांत है, इस वजह से इसको यहाँ रखा हुआ है। हम उसी ट्रैप में फंसे हुए हैं जिसमें सारे रेस्क्यूअर फंसे रहते हैं। हमारे पास स्टरलाइजेशन की जगह है, हमने बना रखी है, उसको हमने रेस्क्यू से
भर लिया है, क्योंकि भाई जो सामने दिख रहा है हम पहले उसकी हेल्प कर रहे हैं, पर ये जो हम कर रहे हैं ये हम सही तो नहीं कर रहे हैं, सही तो नहीं कर रहे हैं। पर एक बार हम यार राजा ओके कभी मौका तो देख लिया कर, एक बार हम हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ पे वो जो कैनल्स हैं वो सर्जरी कैनल्स ही हैं, ट्रॉमा केसेस वहाँ पे नहीं आएंगे, ये पॉलिसी है, लाइक यू नो दिस इज इट। अगर हम किसी केस की मदद नहीं कर सकते और वो तड़प रहा है और वो मर रहा है तो उसको यूथनाइज कर दो। मुझे ये नहीं समझ में आता कि मतलब केरल में वो कुत्ते पीट रहे हैं, मार रहे हैं, लटका रहे हैं और उनको कोई कुछ नहीं कहता। हम कहते हैं कि भाई एक डॉग है जो सड़क पे सफर कर रहा है, उसकी कोई मदद नहीं कर सकता तो उसको यूथनाइज कर दो। और तब जब हम करते हैं तो लोग कह रहे तो कैसी बात कर दी, कितनी गैर कानूनी बात है ये। तो यूथनेजिया से ही संबंधित मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मान लो मैंने भैंस रख रखी है, ठीक है, वो बैठ गई है, अब मुझे पता है कि वो उठेगी नहीं, बचेगी नहीं, अब मैं उसको तड़पते हुए देखूंगा जब तक वो मरेगी नहीं, तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ कि भाई इसको यूथनाइज कर दो। वो कहेगा नहीं जी मैं नहीं कर सकता। लेकिन इसी भैंस को मैं बूचड़ खाने ले जाता हूँ कि भाई इसको स्लॉटर कर दो, जहाँ पे उसको बुरी तरह गर्दन उसकी काटेंगे, सर पर हथौड़ा मारेंगे, वो कानूनी है।